चलिए हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वरह लबरक तौबा इसका एक नाम बरा भी है अल फातिहा भी है और इंशाल्लाह हमारा पिछली दफ़ा पिछले दस में आ, हमारा मुकम्मल हुआ है जूस टेन वालमू पारा दस तो इंशाल्लाह पहले हम दुआ करेंगे फिर हम ग्यारहवा पारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे वमा तौफीकी इल्ला लाला बिल्ला तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल कबीरिल अलहदुल्लाकबीरमताल ذي العزة والجبروت والجلال والحمد لله الحليم العظيم الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن المسيء ويغفر الزلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सबसे बड़ा और सबसे बुलंद है इज्जत वाला कहर वाला और जलाल वाला है सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो नहायत बुरबार और अजीम है सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो अपने बंदों से तोबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ़ करता है और गुनाहगारों से तजावज़ करता है और लफ्जिशों को बख्श देता है अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरक नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए बादशाह उसी के लिए सब तारीफ उसी के हाथ में हर बलाई है और वो हर चीज़ पर पूरी तना है तो इन शह हम नहमदन सल रसूलिन करीम अम्माबाद फ़ाउज बिल्लाजीम बसमल्लाहमानी रबी शाहली सदरी वयसरली अमरी वहद तमिलसानी यफ़ा कौली तो हम इन श्ला शुरू करते हैं जब अम्न आयशरदाना फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह ससम जब कोई अच्छी बात देखते तो फरमाते तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी मेहरबानी से तमाम ने काम पाए तकमील को पहुँचते हैं तो हम अल्लाह का शिक्र अदा करते हैं कि हमारा दसवा पारा जो है हमने मुकम्मल किया अलहमदिल्लाज़ी बिन मतही ततम सलिहात और फिर अल्लाह की तारीफ़ करते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सुबहान अल्ला वी हमदेही आददा खल़ी ही वदा नफसी ही व जीनात आरसी ही व मिदा आदा कलीमती ही तो वाँ तोीक़ी लाभिल्ला ला, की तोफ़ी से अल्लाह की मदद से ही हम इस काबिल हुए कि दसवा पारा मुकम्मल हुआ तो अल्लाह का बहुत शुक्र हमने अदा किया और करते हैं अल्लाह का बहुत शुक्र तो जितना हमें मकदूर भर हमने कोशिश की कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन थोड़ी सी ग्रामर और तफसीर के साथ तफसीर हमने करी तो इन अब हम देखते हैं कि दसवें पारे में हमने क्या सीखा थोड़ी सी उसकी समरी कर लेते हैं थोड़ी सी याद दहानी क्योंकि हम भूल जाते हैं तो थोड़ा सा हम उसकी समरी कर लेते हैं तो पारा दस में से अहम बातें ये थी कि आखरत की राहतों को दुनिया की राहतों पर मुकदम रखें दुनिया में थकने से आखरत में राहत मिलेगी अगर दुनिया में आराम करते रहे और कुछ काम ना किया तो आखरत में मुश्किल होगी नेक की के काम में साबित साबितदमी इख्तियार करना कामयाबी की कुंजी है समरी के बाद हम दुआ करेंगे इन अल्लाह ताली का करबी उसी से हासिल होता है कि नेकी के काम में साबित क़दमी इख्तियार करें इसलिए जो काम भी करें थोड़ा ही हो लेकिन जम कर करें मुस्तकिल तौर पे करें और जो है कभी क्लास में आए कभी नहीं आए कभी ताजुद पढ़ी कभी नहीं जितने भी इबाद है उसको मुस्तकिल तौर पर करें दीन को संजीदगी से लेना चाहिए खेल तमाशा नहीं बना चाहिए बनाना चाहिए ये सारा हम जो है ना जो कुछ मुनाफिकत पे पढ़ा था और सारा हम जितना कुछ पढ़ा है दसवें पारा सब उसकी रोशनी में हम एक समराइज कर रहे हैं कि किस सीखा क्या आँगे? और क्या पढ़ा पढ़ा में अल्लाह के अहकाम की हिफाजत की जाए तो अल्लाह के ताला की तरफ से हिफाजत मिलती है झगड़ा नाकामी की तरफ ले जाता है क्योंकि वो झगड़े फसाद भी करते हैं मुनाफिक तो सब हमने पढ़ा फिर हमने सुरतलफाल में जाना पढ़ा समझा कि माल अल्लाह का है माल गनीमत हो या कोई और माल सब अल्लाह का है हर माल अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तकसीम होना चाहिए जक़ात भी अल्लाह ने बता दी हमें माल गनीमत भी बता दिया और माल गनीमत में अनफ़ाल में हमने अनफाल में पढ़ातेम्स माली गनीमत का खुम्स पाँचवा हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए और बाकी चार मुजाहिदीन के लिए हैं तो हमें ऐज अक्र का स्टूडेंट पता है सब पढ़ लिया हमने पता होना चाहिए बदर के असबाक जंग बदर से हमने क्या सीखा बाज अव तकलीफ दे चीज में भी भलाई होती है मुश्किल कहीं बड़ी होती है मगर अल्लाह अल्लाह थोड़ी करके आज इंसान को दिखाता है ताकि उससे निबट सके तो जंग बदर में हालांकि दुश्मनों का लश्कर ज़्यादा था अल्लाह ताला मुसलमानों को कम दिखा रहे थे फरिश्तों से मदद की थी तो कामयाबी के लिए साबित सबितदमी और अल्लाह को याद करना ज़रूरी है दुश्मन का खौफ हो तो कसर से अल्लाह का जिक्र किया जाए सुबह अल्लाही व भी हमदेही सुबह अल्लाही व भी हमदेही पढ़ना चाहिए स्क्रीन पे देखिए सुबह बन बाहम इफात से बचना जरूरी है क्योंकि वो दीन के लिए नुकसानदेह हैं दीन को मोड़ के रख देते हैं इसी तरह आप सन जो है लेरतल की रात बताने निकले तो देखा के रास्ते में दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं तो आपको अल्लाह बताने से रुक गया फिर चले उसमें तो मसलियत थी कि आप सब फरमाया कि वरना हम एक ही रात इबादत करके बैठ जाते तो, तो अल्लाह तला की कोई मसलियत थी तो लेकिन झगड़ा फसाद अच्छी चीज़ नहीं घर में भी घरों में भी कहीं भी रॉक वर्क प्लेस पे भी मदरसों में कहीं जॉब कर रहे हों घरों में जहाँ भी झगड़ा फसाद पसंदीदा नहीं है आ, आ, दीन को मूड कर रख देता है तो और नियमतों का जवाल कैसे होता है हमने जाना कि ना गुनाहों से होता है ना कदरी से होता है ना शुक्री से होता है और दीन से दूरी की बिना पर नेमत छिन जाती है फिर खयानत मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम किसी के साथ नहीं करनी चाहिए माल जिम्मेदारी और अमानतों में खयानत से बचना चाहिए क्योंकि अल्लाह को नापसंद है मुकाबले की तैयारी करना चाहिए हमेशा मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए आ, दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारी भरपूर रखो इस राह में जो माल खर्च करेगा उसे पूरा बदला लौटाया जाएगा जंगों में माल भी खर्च करना होता था सवारियों पे भी खर्च करना होता था आ, हमने पढ़ा जाना बाहम उल्फत तो उल्फत की दुआ देखें जो एक दुआ है क्लू बिना एहल इमान के दरमियान अल्लाह का खास फजल है क्यों, क्योंकि मोमिन मोहब्बत करता है और किया जाता है इतबा रसूल का फायदा नबी वसल्लम की पैरवी करने वाले अहिलान के साथ अल्लाह की मदद होती है तो अल्लाह तब इजबा रसूल करेंगे सुनत को फॉलो करेंगे कुरने सुनत को तो अहल इमान के साथ हमारी अल्लाह की मदद होगी फिर मदद सब्र के साथ है जितना सब्र ज्यादा होगा उतनी ज़्यादा मदद आएगी वो सबर के साथ और कुशादगी तंगी के साथ है फ़ाइनमाल उसरा इन नमाल उसरा फिर हम देखते हैं और अनसार दीन के लिए मन पसंद को छोड़ने वाले महाजिर जबकि दीन की खिदमत के लिए मदद देने वाले अनसार हैं तो अनसार और महाजर से भी बहुत सबक सीखने का है कि महाजिर अपना कारोबार काम काज ज़मीनें अल्लाह के रास्ते में सब मक्का छोड़ के चले गए अपने अजीज रिश्तेदार और फिर वो जहाँ पहुँचे तो अनसार महाजरीन ने मदीने के जो अनसार थे उन्होंने हाथों हाथ महाजरीन को लिया और जो है उनकी बहुत मदद की तो ये है दीन के रास्ते में मदद करना आ, हिजरत व जात करने वाले सच्चे मोमिन हैं उनके लिए बख्शिश और उम्दा रिस्क है तो जो है हमारा क्या जिहाद है कि हम जहनी तौर पे जब हम कुरान के स्टूडेंट है तो अपने आप को तैयार कर ले कि बस अब मैंने कुरान और सुन्नत पे चलना है ठीक है मैं पिछला जो कुछ करती रही मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन मुझे दीन का इल नहीं था तो हमारी तो जो है हिजरत यही हो गई ना कि हमने दीनी तौर जहनी तौर पर हम तैयार हो गए कि बस हमें अब अल्लाह के दीन पे चलना है इनशाला अजीज तो उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि अः सूरत तौबा में शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है क्योंकि नबी अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई क्योंकि अल्लाह ने ही नाजिल नहीं की और फिर इसकी वजह यह है कि बिस्मिल्लाह अमन की अलामत है हम कहते हैं रहमानिर रहीम है ना वो रहमान रहीम है अल्लाह ताला हम पे रहमत करते हैं तो बिस्मिल्लाह में अमन की अलामत है और इस, इस सूरत में अहले शर से अमान उठाई जा रही है इसलिए बिस्मिल्लाह अल्लाह तला ने नाजिल नहीं की इसलिए हम भी नहीं पढ़ते हैं तौबा सूरत तोबा के शुरू में ये वाहिद सूरत है जिसके शुरू में हम इसी वजह से बिस्मिल्ला नहीं पढ़ते ठीक है उसके बाद हज अकबर के दिन ऐलान किया गया अल्लाह और रसूल का मशरकों से कोई ताल्लुक़ नहीं सूरत तोबा में अपने पढ़ा ऐलान बरात है तोबा कर लो अल्लाह ताला ने फरमाया वहाँ पे कि तौबा कर लो तो निजात है वरना दर्दनाक अजाब है हमेशा इस्तीफ़ार पढ़ा करें जहाँ औरतें और बूढ़े बूढ़े होते हैं बच्चे होते हैं और जहाँ अल्लाह का जिक्र इसफ़ारात पढ़े जाते हैं वहाँ पे से अजाब टल जाता है तो पता नहीं हमारे पढ़ने से क्या हो जाए कोई अजाब टल जाए बिल्डिंग में आग लगने से बच जाए कोई औरत गिर के गिर गई थी हमारी बिल्डिंग से ख़ुदकुशी से बच जाए पता नहीं अल्लाह की रहमत वहाँ पे ज़ाहिर नाजिल होती है ना और अल्लाह मलाउल आला में जी जिक्र करते हैं मलाउल आला फ़रिश्तों की महफ़िल है उसमें जिक्र करते हैं और फिर उस पर फ़्र करते हैं कि मेरे बंदे मुझे याद कर रहे हैं और वो जन्नत तलब कर रहे हैं और जो है दौजत से पनाह मांग रहे हैं कि तुम गंवार हो कि मैंने उन्हें माफ कर दिया तो जल्दी जल्दी और मैसेजेस कर लें सुनते भी जाए ताकि लोग दुआओं में भी शामिल हो जाए आज तो दुआ भी करेंगे हमारा कसब और कमाई का दिन है पूरे आप लोग माशा तीन दिन आती हैं हफ्ते में और पारा मुकम्मल हुआ है तो कोशिश करें कि दुआओं में शामिल हो जाएं सब लोग पनाह का असूल पनाह के तलबगार को पनाह दो और कुरान सुनाने का अहमाम करो क्योंकि वो इससे है तो आप ने पन्ना भी दी थी और एक वो मुसलमान हो गए आगे एक आदमी को बांधा था मस्जिद में तो वो सारे आ, आमाल देखता रहा मुसलमानों के आप के और फिर वो तीन दिन बाद वो मुसलमान हो गए थे उसके बाद हम देखते हैं कि मसाजिद की आबादकारी के मुतालिक हमने पढ़ा मश्रकन का काम नहीं है मसाजिद को देखना नमाज ज़क़़्त अदा करने वाले और अल्लाह से डरने वाले एल ईमान का काम है अल्लाह के महबूब कामों में से है मसाजिद को आबाद करने वाले अल्लाह के पड़ोस में होंगे अनस सदनों से मलवी है स्क्रीन पर आप देखें हदीस के उन्होंने कहा कि रसुल्ला सरमाया अल्लायामत के दिन विदा देगा मेरे पड़ोसी कहाँ हैं मेरे पड़ोसी कहाँ हैं तो फरिश्ते कहेंगे ए हमारे रब किसके लायक है कि वो आपका पड़ोसी है अल्लाह ताला फरमाएगा मसाजिद को आबाद करने वाले कहाँ हैं इसलिए आप जहाँ भी हों अपने गांव में अपने शहर में अपने मुल्क में ज़रूर एक मस्जिद बना दें और जो है चाहे एक हदीस मुबारक में आता है कि कबूतर के जितनी मस्जिद बना दो तो मतलब ये कि छोटी सी मस्जिद भी कोई जरूरी नहीं कि हम दुनिया में जो है बहुत आलिशान मस्जिद ये सोचे कि बहुत पैसा होगा तो बहुत डेकोरेशन वाली बड़े बड़े शैंगल्स लगाऊंगी और बहुत डेकोरेशन वाली बनाऊंगी नहीं छोटी सी शादी सी भी बना देंगे तो वो आपका पड़ोसी बनेगा है ना अल्लाह ताला फरमाएगा मसाजिद को आबाद करने वाले कहाँ हैं और वो अल्लाह के पड़ोसी हैं फिर जो हम देखते हैं कि मसाजिद की आबादी के बाद हम देखते हैं तो मस्जिद दरार बनाई थी आप लोगों को याद होगा मुनाफिकों ने ताकि वहां खुफिया साजिशें करें तो उससे अल्लाह ताला ने आप उन्होंने कहा था नमाज पढ़िएगा तो आप कहने लगे मैं जंग से आपने फरमाया जंग से वापस आऊँगा तो कर दूंगा तो अल्लाह ताला ने पहले ही आपका वाही के परका तो, परका था, था के ये जो है आ, इस मस्जिद दरार में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो अल्लाह ताला ने आपको पहले ही बता दिया था अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि क्या देखते हैं के ईमान का फर्क ईमान के बग़ैर हाजियों की खिदमत या मजद आराम की आबादकारी करना ईमान के साथ अल्लाह की राह में जहाद के बराबर नहीं हो सकता अल्लाह की राह में मालो जान से कोशिश करने वालों का दर्जा बहुत बुलंद है और महबूब क्या है अल्लाह और रसूल और उसकी राह में जहाद करना सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब है दीगर चीजें ज़रूरत के तहत हो मगर जी रहे हों मर रहे हों तो दीन के लिए अब आपने वशेर है ना इकबाल का मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी सुबह ना कभी है हकीक़त मुंतज़र नज़र आलिबास मजाज में के हजारों सदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन न्याज में तो जो है मैं मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सर सरफराजी इन नसलाता वन उसकी वम हया व ममातिलि रबी या इलाही मेरा जीना मेरा मरना मेरे मनासिकबाद मेरे हूक्लाकुक मेरे उकुल इबाद सब कुछ मेरी मौत भी मेरी जिंदगी भी अल्लाह ताला के लिए है मुशरकिन नजस हैं अकीदे की खराबी की वजह से मस्जिद में दाखिला बंद कर दिया गया है क्योंकि बुतों को पूछते हैं नजस हैं शिर की गंदगी है शिर से शिरक से पाक अकीदा इख्तियार करना है शिरक़ से पा हमारा अकीदा पाक होना चाहिए अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा ज़मीन व आसमान के बराबर गुनाह लेके मिलेगा इस्तफारत करेगा तो मैं माफ़ कर दूंगा तो इस्फ़ार का दरवाज़ा हमेशा खुला है अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगा करें और जो है लेकिन अगर शिरक लेके मिलेगा तो मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा गालिब दिन इस्लाम ही वो दीन है जिसे अल्लाह तमाम अध्ययन पर गालिब करना चाहता है और गजबाए तबूब में सबको निकलने का हुक्म दिया गया था जंग नहीं हुई मगर सबको अल्लाह ताला ने आज़मा लिया क्योंकि ये जो है नफीरे आम थी, लेकिन मुनाफिक नहीं गए आज भी हम मुनाफिकों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पारे में इन मुनाफिक नहीं गए नफीरें आम थी तो लेकिन अल्लाह तजमा लिया जंग नहीं हुई लेकिन माले गनीमत मिला जो लोग चले गए थे और जो नहीं गए उनके आप उनके लिए आप सद ने फरमाया क्यों नहीं गए जिन के पास वाकई गुजर था सवारी नहीं थी कोई लंगड़े थे लूले थे तो अल्लाह आप फरमाए कि उनको उनके उज़र ने रोक दिया तुम जिस वादी से गुजर रहे हो उनको सवाब मिलता है तो हमें हर वक्त आज हमारे हालात अच्छे हैं हमारी सेहत अच्छी है तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा हमें जो है नफली नमाजों पर भी तो देनी चाहिए क्योंकि फिर कोई ऐसे हालात हो गए हम सफ़र में हैं किसी मुश्किल में है कुछ है तो नहीं पढ़ सकते बीमार है तो वो उसका अज़र अजर मिलता रहता है तो जैसे कि इनको अजर, अजर मिल रहा था जो सवारी ना होने की वजह से नहीं गए थे और जो बेकार के उजर कर रहे थे उनके मुतालिक भी हम अभी ग्यारहवें पारे में पढ़ेंगे कि उनके लिए क्या सजा है वो तो फिर नार होंगे जो है भी डिटेल में आएगा इन शाह दो दुआ के बाद मुनाफिकों के बारे में वो आपने पढ़ा भी थी सारी आयतें पढ़ी भी हमने कि उनके तो अल्लाह तला ने दिलों पर निफाक की मोहर लगा दी उनकी तो समझ में ही कुछ नहीं आता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है और कलील दुनिया दुनिया की हेसत समंदर में डुबो कर निकाली जाने वाली उंगली पर लगे पानी जितनी है हदीस देखें स्क्रीन पे फरमान में नबी के मुताबिक दुनिया का कलील भी गदला है ठीक है तो यह हदीस है कि अल्लाह रसोल सब ने फरमाया अल्लाह की कसम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसत इससे ज्यादा नहीं जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी एक उंगली समंदर में डाले और जो उसको निकाले तो उसका जो उस पर जो पानी आएगा कितना आएगा वो भी नहीं रहेगा उंगली पे के फरमान के मुताबिक दुनिया का कलील भी गदला है गदला पानी होता है गंदा मुकद्दर का लिखा फिर हमने जो बहुत एक पूरा टॉपिक गया हम पर, हमारा तकदीर पर और मुसीबतों पर जो लिखा है वो होकर रहता है सिर्फ कदा इल्ला दुआ दुआ को बुरी तकदीर को सिर्फ दुआ बदल सकती है और जमीन आसमान बनाने से पचास हजार साल पहले ही हमारी किस्मत लिखी जा चुकी थी अल्लाह ने कलम से काल और कलम ने लिख दिया तो जो पहुंचा है, वो हमारे लिए लिखा जा चुका था ईमान लाना लाजमी है कदर पर के हर शख्स को इसके मुकद्दर का मिलता है तो आप ये देखें स्क्रीन पे हमने आयत भी पढ़ी थी और बहुत तफसील से जो है इस पे पूरा एक टॉपिक गया माँ साबा बिन मुसीबतिन बिजन बिकुल वह बिकनिम कोई मुसीबत मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं पहुँच सकती जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है तगाबुन ग्यारह फिर हमारा ये सबक भी था फिफ्टी वन पूरा टॉपिक गया है कुल नहीं यसीबुना बुना इलामा कतब अल्ला हुआ मऊलाना वाला फली आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक़ में लिखे हुए कोई चीज़ पहुँच ही नहीं सकती वो हमारा कारसाज़ और मौला है ममनों को तो अल्लाह ताला की तक पर ही भरोसा करना चाहिए तो हम ईमान पे भी वो हमने तकदीर पे भी ईमान है हमारा आमन तबी व मलाई कती ही वतुबी व पर फिर हमने पढ़ा धरम वीनार के बन्दे अल्लाह के में देने से कतराते हैं वो अपने धर्म दीनार डॉलर पाउंड रुपी सब जमा करते रहते हैं देना पड़े तो मुसीबत के मारे देते हैं उसको अपने अपर तावान समझते हैं फिर हमने मसारफ जक़़ात पढ़ा के जक़ात के मसारिफ देख लेते हैं स्क्रीन पे जल्दी से गुजर जाते हैं के जो है सदक़ात जो है मसाकीनी वल मसाकिन आमिन वलमोलफ़ती खलूब हम वफ़िर वल़ारमीना वफ़ी सभी वबनल फ़रीद तुम्बिन अल्लाह फिर दूसरा स्लाइड देखें कि ज़क़़त के, के मुस्तक जे फ़ीर अलफ़ुरा अलमसाक़ीन आमिन ज़क़त वसूल करने वाले मोलफ़तुल्लूब ़ारमीन वफ़िर फ़ी सबी अब्न अब्न सबील तो ज़क़़त इन सब के फ़रीज़ा है जक़ात के मुस्तक के तमाम अफराद हैं फिर मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि जो है वो शायर कौन है इस्लाम के जो आप सस्म कुरैश मक्का आपकी हजू करते थे आपके मुतालिक बुरा भला कहते थे तो उनकी हजू का वो जवाब देते थे वो हसान बिन साबित हैं तो हम देखते हैं स्क्रीन पर ये सहाबी सहाबी और शायर रसूल है इनका सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि वो दरबार नबू के शायर थे और ससम की जानब से कुफ़ार की मुदाफ़त में मुदाफ़्त मेंशा कहते और ने उनके लिए दुआ फरमाई की खुदायादूस से उनकी मदद कर इस बिना बुरुल कदस कौन जबराइल के आ, मदद से उनकी मदद से इस बिना पर बारगाह बार इसत में आपको खास तकरब हासिल का उनकी हुजू का जवाब हसान भी साबित शायरी से देते थे वो क्योंकि वो भी शायरी करते थे तो उस जमाने की टेक्नोलॉजी शायरी है थी तो हमें टेक्नोलॉजी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए कोई शायरी हो कोई जबान हो आज की जो टेक्नोलॉजी उसको ज़रूर अपनाएं लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ हो उस वक्त की उसको जो है अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए उसकी उससे जो बुराइयां लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए तो मुसलमान ममूमिन जो है इस्ट्रांग होता है मजबूत होता है और वो होशियार भी होता है वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी उठाता है वरना वो दुनिया से पीछे रह जाएगा ना मुसलमान और दीन तो ये मना नहीं है इसकी दलील हमें मिलती है ज़ुलकरन के वाक़े में के सबबा उन्होंने सबक अख्तियार किया और उन्होंने दो पहाड़ों के बीच में दीवार पाट दी, सोसीसा पिघलाई हुई दीवार बनाई लोहा और तांबे को पिघला कर ठीक है तो सबक इख्तियार करना चाहिए अच्छा अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा कोशिश की कि हम जान ले कि हमने क्या पढ़ा क्या समझा समरी कर ली अब हम दुआ की तरफ आते हैं इनशाला दुआ फॉर एंडिंग जूस पारा टेन तो इनशाला हम दुआ करते हैं और बहुत दिल से दुआ करिए अपने हाथों को उठा लीजिए क्योंकि ये कसब और कमाई का दिन है माशाल्लाह पूरा हमने दसवां पारा मुकम्मल किया और तफसीर से किया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जितना हो सका तो कोशिश की हमने और रोजाना आप लोग आती हैं माशाल्लाह अपने घर के काम काज आगे पीछे करके क्योंकि ये काम आसान नहीं होता है जाहिर है कितनी चीज़ों को पीछे छोड़ के कितनी आपको इनविटेशन चाय की आती है उसको भी आज मैंने भी एक चाय छोड़ दी है लेट जाऊँगी दर से वहाँ इनशाला लेकिन मेरे का पहले ये हमारी दुआ है चले तो हम शुरू करते हैं इसी का तो अजर है यही तो हमने सीखा दसवें पारे में के सबसे पहले कल भी हमने पढ़ा था दो चीजें जरा सा वो कर दें प्लीज जी आ, म्यूट कोई बहन भूल गए दो चीजें हों दीन और दुनिया के दो काम साथ हों तो पहले दीन के काम को तवज्जो देंगे फिर दुनिया का काम करेंगे तो उसमें भी बरकत हो जाएगी ठीक है चले तो अब हम, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह शुरू करते हैं चले दुआ शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह

اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما الذي اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنا وهو اللطيف الخبير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين وولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है उसने हमारे लिए दुरुस्त दिन को मुकर किया हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई की वो ज़ात जिसने भरपूर ज़ाहरी और बाती नियमतों से नवाजा वो नहायत मेहरबान और हद दर्ज बाबर है अल्लाह तेरे ही लिए हर तरह की हमदे सारी बादशाह तेरी है तेरे ही हाथ में हर तरह की खीर है और तेरी तरफ हर तरह का मामला लौटता है तू पाकिज़ा लोगों का रब है आम... अः तू पाकिजा लोगों का रहब है और नेकोकारों का दोस्त है और तमाम मखलूक़ात का खालिक और उनका राजिक है अल्लाह हम आपका शुक्र अदा करते हैं हम इस काबिल ना थे आपने ये पारा दसवा जुज मुकम्मल करवाया बिनही ततिम साल सुबहान वी हमदही आददा खल़ही वफसही विनत आरशही व मिदादा कलीमात ही पाकिजगी है अल्लाह की उसकी तारीफ के साथ जितनी उसकी मखलूक की गिनती है और जितनी उसको पसंद है और जितना उसके अर्श का वजन और जितनी उसके कलमात की स्याही है अल्लाह असल हम आपसे सवाल करते हैं क्योंकि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप ही अल्लाह है आपके सिवा कोई माबूद भरक नहीं आप अकेले हैं बेनियाज है जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना नहीं वो आप किसी से आपसे कोई पैदा हुआ और ना ही आपका कोई हमसर है ए दिन असराम हमें इसरातम दिखा भी दीजिए उस पर चला भी दीजिए और उस पर इस्तकामत भी नसीब फ़रमा दीजिए अल्लाह इस किताब कुरान में से जो हमारी ज़बान पढ़ती है उसमें हमें तकफ़् तफक् तदबर और उसकी समझ अता फ़रमाइए उसके मानों और अजायबात की पहचान करवाइए और जब तक हम जिंदा रहे उसके मुताबिक अमल करें बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं अंत जलल क़ुराना रबी क़लबी वनूरा सदरी व जला हजनी वज़ह हम अल्लाह कुरान को हमारे दिल की बहार हमारे सीनों का नूर हमारे गम को दूर करने वाला और हमारी फिकर को ले जाने वाला बना दीजिए का मिनफलिका वराहमति का फैन नम लिखुआता हम आपसे आपका फजल रहमत का सवाल करते हैं क्योंकि आप ही इसके मालिक हैं अल्लाम जन्ना अल्लाम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं का मिनन्ना और जहनुम से आपकी पनाह मांगते हैं अल्लाम हम आपसे जन्नत दौस का सवाल करते हैं इलाही मिजान पे नेक माल का हमारा पलड़ा भारी कर इलाही हमारी दुआ में हमारे महके ससुराल नंदल ददियाल हमारे बेटे बेटियां नवासे नवासी पोते पोतियाँ हमारे दामाद हमारी भवें हमारे इस्तेमाम अहल खाना कुल और हमारी नस्लें हमारी जुरीत जो क़यामत तक आएगी इलाही और हमारे शहरी रिश्ते भी जिनसे हम जुड़े जिनसे हमारे बच्चे जुड़े इलाही बल्कि कुल मुस्लिम मुसलिम मोमिन ममन शामिल है उलाउलमिन मीज़ान पे ने कहा का रहा भाई कर दीजिएगा पुरसरात आसान फरमा दीजिएगा या अली बिजली की तेज़ी से पार पार करवा दीजिएगा या इलाही हमें उसमें सदमा ना उठाना पड़े अलाउलम हमारी रूहों को इलीन में जगा दीजिएगा इला आप, आप ससम के आज हाँ से हौज कोसर का पानी पीना नसीब फरमा दीजिएगा शरबत हनी मरी जिसके पीने के बाद प्यास ना लगे इलाही हमें अम्बिया सालीन सिद्दीकीन और के साथ उठाइएगा इलामी हमारा या इलाही बग़ैर महासबे के हमारी बख्शिश कर दीजिएगा या इलाही हमारे हिसाब किताब हमसे ना लीजिएगा और जन्नत के अला दर्जे हमें अता फरमाइएगा ऐसा अला दर्जा कि हम जब चाहे आपका दीदार कर लें अलम आलमीन हमारे कुरान का आमिल कुरान का हामिल कुरान का कामिल बना दीजिए कुरान पे अमल करने वाला कुरान को उठाने वाला फैलाने वाला और कुरान का आलिम स्कॉलर बना दीजिए आलमी नबी धरम दिनार नहीं छोड़ते ये किताब छोड़िए हमें इस पर चलने वाला बना दीजिए हमें हमारे बच्चे और शौर ऐसा इस पर चलने वाला अमल करने वाला कि हमारे घरों में मौसी की आवाज़ शैतानों की आवाज़ ख़त्म हो जाए और फरिश्तों का नज़ूल हर, हर वक्त हो हर वक्त नूर हो रोशनी हो हिदायत हो या इसमत के अंधेरे छटा दीजिए नूर हिदायत रोशनी और फुर्क़ा के रास्ते पे चला दीजिए जालिकल फौजुल अजीम यही चूंकि बड़ी कामयाबी है हमने आयतों में भी पढ़ा था पढ़ा है दस् पारे में और रिजवान रिजवान अकबर या, रिज्वानु वल, रिज्वानु या आपकी रज़ा सबसे अकबर है आपने फ़रमाया तो हमें अपनी रजा या हासिल याता फ़रमा दीजिए आप हमसे राज़ी हो जाइए हमें इस साल में मौत दीजिएगा कि हम जो है आप हमसे राज़ी हूँ इलामी हम अपने दीन की खिदमत का काम हमसे ले लीजिए मसाजिद मदारस यातीम ख़ान बेबा ख़ान शिफा ख़ान इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमसे कायम फरमा दीजिए इलामीन और बिलीन का बोल बाल, करने वाला हमें बना दीजे, अमर दुआ में दरजात बुलंदी की दुआ में हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए वो सब शामिल हैं उनको भी जन्नत फिर में जगह दे दीजिए मौत अफरा आजान कर दीजिए इलामीन मरते फरमा दीजिएगा अला तोबा की तोफीक नसीब फरमा दीजिए अः हमारे दिल को हम निफाक के बारे में बहुत पढ़ा या इलाही मुनाफिकों को जंग तबूक के हवाले से अल्लाह हमारे दिल को नफाक से अल्लाह फिसूर हमारे दिल को नफाक से हमारे अमल को रिया से हमारी जबान को झूठ से हमारी आंखों ख्यालत से पाक कर दे बेश आंखों की खानत सीने के छिपे रास जानता है अल्लाह अपनी मोहब्बत को हमारे लिए की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौकालिब कर, कर दीजिए जब दुन, जब आप दुनिया वालों को उनकी दुनिया से ठंडक दे तो हमारी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दीजिए अल्लाह हम उससे हमसे आसान हिसाब लीजिएगा अल्लाह उमसिबना हमारे रब हमारी मदद फरमाइए हमारे खिलाफ मदद ना करिए हमें गलबा दीजिए हमारे ऊपर गलबा ना रखिए बातिल बातिलकुवतें हम पे छाई हुई हमारे लिए तदबीर करिए हमारे खिलाफ तदबीर ना करिए हमें हिदायत दीजिए हमारे लिए हिदायत को आसान बना दीजिए हमारी मदद करिए उसके खिलाफ जो हम पर पज़्यादती करे है हमारे रब हमें अपना शुक्र करने वाला बहुत जिक्र करने वाला बहुत डरने वाला बहुत अतात करने वाला अपनी तरफ आर्जी करने वाला बना दीजिए अपनी तरफ आए बनने वाला रुझु करने वाला बना दीजिए ए हमारे हमारी तोबा कबूल कर लीजिए हमारे गुना डालिए बात भी हमारी दुआ कबूल कर लीजिए हमारी दलील को साबित रखिए हमारी जबान शुक्र करने वाला बहुत जिक्र करने वाला बहुत डरने वाला बहुत बतात करने वाला अपनी तरफ आजी करने वाला बना दीजिए अपनी तरफ आहें बनने वाला रुजू करने वाला बना दीजिए हमारी ए हमारे रब हमारी तोबा कबूल कर लीजिए हमारे गुनाहों को दो डाल दीजिए हमारी दुआ कबूल कर लीजिए हमारी दलील को साबित रखिए हमारी जबान सीधी रखिए हमारे दिल को हिदायत दे दीजिए हमारे सीने का मैल कुचैल बुक्स अनाज दूर कर दीजिए

<laughs> हमारी जिंदगी को हर बलाई में इजाफे का सबब और मौत को हर बुराई के लिए हर बुराई से राहत का सबब बना दीजिएमी आमीन याबलामीन बेशक हम आपसे बेहतरीन सवाल बेहतरीन दुआ बेहतरीन निजात बेहतरीन जिंदगी और बेहतरीन मौत मांगते हैं अल्लाह हमें साबित कदम रखिए हमारा नाम आया वजनी कर दीजिए हमारा नाम दाए हाथ में दीजिएगा इलाही कि हम दिखा सके लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जब आदमी सलाम से लेके आदमी की उम्मत से पहला शख्स से लेके की उम्मत का आखिरी ना शख्स खड़ा होगा हमें उस दिन कीजिएगा आप हमारा ईमान साबित रखिए हमारे दर्जे बुलंद कीजिए हमारी नमाज कबूल कर दीजिए टूटी फूटी इबादतें हमारे पास कुछ भी नहीं हम खाली हाथ आ रहे हमारी खत बख दीजिए हम आपसे जन्नत के बुलंदरजों का सवाल करते हैं हम जब चाहे आपका दीदार कर लें अल्लाह बेशक हम आपसे भलाई का आगाज उस भलाई पर अख्ताम इसका जामे होना इसकी इब्तदा उसका ज़ाहिर उसका बातिन और जन्नत के बुलंदरजे मांगते हैं आमीर अल्लाह हम आपसे सवाल करते हैं खैर का जो हमें आप दे और ख़ैर का जो हम काम करें और ख़ैर का जो हम अमल करें और जाहिर और बातिन में ख़ैर और ए, जन्नत के बुलंदरजे मांगते हैं आमीर अल्लाह हम आपसे सवाल करते हैं हमारा कर दीजिए हमारे बोझ उतार दीजिए हमारे काम की असलाह कर दीजिए हमारे दिल को पाक कर दीजिए हमारी शर्म गाह को महफूज रखिए हमारे दिल को मुनाव, हमारे दिल को मुनवर कर दीजिए हमारे गुनाह बख्श दीजिए हम आपसे जन्नत के बुलंदरजों का सवाल करते हैं आमीन अरबीन बेशक बेशक हम तुझसे सवाल करते हैं कि हमारी नफ्स में हमारी समाज हमारे देखने में हमारी निगाह में हमारी बिनाई में हमारे सुनने में हमारी रूह हमारी तखलीक में हमारे अखलाक हमारे घर वालों में हमारी जिंदगी हमारी मौत में हमारे अमल में प्रकृति हमारी नेहकिया टूटी पुटी कबूल कर लीजिए हम तो आपसे जन्नत के जन्नतों का सवाल करते हैं वो सत वाले घर दे दीजिए जन्नत में भी ज... आला बाल आला अलात फिरत में घर अता फरमाएगा हम पर बुढ़ापे के करीब हमारी उम्र के खात्मे तक अपना रिस उदा रखियेमीन अल्लाह हमारी किफ़ायत करिए अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा लीजिए और अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दीजिए अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता करिए उस शख्स की मोहब्बत दीजिए जिसकी मोहब्बत हमें आपके करीब होने में फ़ायदा दे अल्लाह आपके अता किए में जिस से जिससे हम मोहब्बत करें तो उसको हमारे उन कामों के लिए क़ुत का सबब बना दीजिए जिनसे आप मोहब्बत करते जो आपने हमसे ले लिया है उससे और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको हमारे उन कामों के लिए फरागत का बायस बना दीजिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं बेशक गिर कर मरने डूबकर मरने दबकर मरने और जल के मरने से आपकी पनाह चाहते हैं हम आपकी पनाह चाहते हैं उससे कि मौत के वक्त शैतान हमें उचक ले और हम आपकी पनाह चाहते हैं उससे कि आपके रास्ते में पीट फेरते हुए मारे जाए अल्लाह हम आपकी पनाह चाहते हैं म, मौत में जहरीले जानवर के दसने से हमारे हमारी मौत जहरीले जानवर के ढसने से वाकई हो जाए इन तमाम अमवा से बचा लीजिए उसने खात्मा कीजिए मरते वक्त तोबा की तोफीक नसीब फरमाई अल्लाह हम आपकी पनाह मांगते हैं बुरे हमसाये से ऐसे जीवन साथी से शोहर ऐसे बीवी से और बीवी ऐसे शोहर से जो बुढ़ापे से पहले ही हमें बुरा कर दे ऐसी औलाद से जो हमारे लिए बबाल ऐसे माल से जो हमारे ऊपर अजाब का सबब बने और ऐसे मकार दो से जिसकी आंखें और दिल हमारी निगनानी करते हैं और अगर हम वो हमें कोई खूबी देखे तो उसको अपने तक ही रखे अगर हमें कोई खामी देखे तो उसका चर्चा कर दे अल्लाह हम आपकी पनाह मांगते हैं आजमाइश की सख्ती से बदबकती के पा लेने से बुरी तकदीर से दुश्मनों के खुश होने से अल्लाउिक पनाह मांगते मिन जवाल व तहुल आफियतिका व फुजात का वमी क़ाति का आपकी मांगते हैं आपकी अत करदा नमतों के जवाब से आपकी अत करदा आफियत के बदल जाने से आपकी सजा के अचानक वारिद हो जाने से और आपकी हर किस्म की नाराजगी से पनाह मांगते हैं अल्लाह हमारे ऐबों को ढाप लीजिए और हमें खौफ से अमन दे दे इलामीन ला हमें नूर वाफन फरमा दीजिए अल्लाह डाल दे हमारे हम दिल में नूर हमारी आंखों में नूर हमारे कानों में नूर हमारे दाएं नूर हमारे बाएं नूर हमारे ऊपर नूर हमारे नीचे नूर हमारे आगे नूर हमारे पीछे नूर और बना दीजिए हमारे नूर हमारी जबान में नूर और बना दीजिए हमारे पट्टे नूरानी हमारा गोश्त नूरानी हमारा खून नूरानी हमारे बाल नूरानी हमारी जल नूरानी पानी हम और डाल दें हमारे नस में नूर और बढ़ा दीजिए हमारे लिए हमारे लिए नूर अल्लाह में नूर अता फरमाइए नूर हमें पुरसरात पे चाहिए होगा है दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी अतात पर फेर दीजिए दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को पर अपनी अपनी अतात पे फेर दीजिए दिनों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी या इलाही दीन पर फेर दीजिए इलामी अल्लाह वर्जुखना हमें हक़ को हक़ दिखा दीजिए उस पर चलने की तोफ़ी को बातिल दिखा दीजिए और उससे बचने की तोफ़ी आ फ़रमा दीजिए नना वमना वह आती न फिर दुनिया हसनतों व फिर आख़िरत हसनत वकी हमें दुनिया आखती बनाईयाता फ़रमा दीजिए आकी

आफिना अल्लाह हमें बख्श दीजिए हम पर रहम फरमाइए हमारी रहनुमाई फरमाइए हमें आफियत दीजिए हमें रिश्ता या रब्बनास अब्बास रबनास वीफिला शिफा शिफाओ का शिफा तमाम बीमारों को शिफा कुलिया कामला अजलाता फरमा दीजिए लोगों के रख लोग तकलीफ को दूर कर दीजिए शिफाता है आपकी शिफा देने वाले हैं आपकी शिफा के सिवा कोई शिफा ऐसी नहीं जो बीमारी शिफा नहीं और ऐसी शिफा अता फरमाई है जो बीमारी को बाकी ना रखे इलाई ये कोविड या पेंडेमिक जो भी फैला हुआ इसके अलावा कैंसर आम है इलाही सबको शिफाय कुलिया कामला अजलाता फरमा दीजिए लाई। जितने लोग हैं हम इतने लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन हमारी हमारी हम सब के लिए दुआ करें हैंज़ीम रबी अर्शिल लजीम का हम अजमत वाह मैं अज़बत वाले अल्लाह से अजीम के रब से सवाल करती हूँ कि वो सबको शिफा दे दे अल्लाह हम आपकी पनाह मांगते हैं आजी और सुस्ती से बुजली और कर्ज और बखर से इंतहाई बुढ़ापे से सब सख्ती से गफलत से जिल्लत से मुफलिस से नादारी से मोताजी से कुफर से ना फरमानी से निफाक से बुरी शहरत दिखावे से हम आपकी पनाम मांगते हैं बेहरेपन से गूंगेपन से पागलपन से अंधेपन से से बरस से और तमाम बीमारियों से हुए हुए रिश्तेदारियां काटी हुई है हमारी बाहम इस्ला फरमा दीजिए हमारे सलामती के रास्ते दिखा दीजिए हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ नीचा ता अंधेरों में गिरे हुए कुरान की अताजिए हमें, हमें बसारतों में हमारी दिखवाई में हमारे दिलों में हमारी शोहरों में औलाद में बरकत अता फरमा दीजिए अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाइए बेशक आपकी तौबा कबूल करने वाले हैं नहम फरमाने वाले है अल्लाह हमारे वली है, हम आपके दर के सिवा का आ जाएंगे खाली हाथ ना लौटाईगा इनकी तमाम जायज आर्जुए तमन्नाएं पूरी कर दीजिए ने और हमें अपना मुतिया फरमा बरदार बना दीजिए हमारे बच्चों को भी अपना मतिय फरमा बरदार बना दीजिए हमारा भी मुति फरमा बरदार बना दीजिए या नहीं मेरी बहनों की तमाम मुश्किल आसान फरमा दीजिए रोजी हो बीमारी हो कोई इनको तंग करा हो कोई सता रहा हो कोई बच्चे अपने घरों में खुश ना हो या दो नहीं तमाम मुस्लिम मम्मी ममान सबकी मुश्किलें आसान फरमा दीजिए लाई मेरे बहनों को खाली हाथ ना लौट हमारी झोली भर दीजिए खुशियों से जा तमन्नाए आर्जुए हमारी पूरी कर दीजिए लाई या जुमरे के साथ नसीब फरमाजा रसूल और फरमा दीजिए फज लिखा अलमिन तमाम बीमारों को शिफा कुमला अजलाता फरमा दीजिए बे औलाद को औलाता फरमा दीजिए तमाम लोगों की मुश्किल मेरी बहनों की हम सबकी याले आसान फरमा दीजिए दीन पे चलना आसान फरमा दीजिए हमें अपनी नेमतों का शुदा शुक्र अदा करने वाला बना दिए ताकि उनके जरिए एक दूसरे के मुकाबले में आपकी तारीफ करने वाले बन जाए और इन्हीं नेमतों को अपनी नेमतों को हम पर पूरा कर दिए लाई जो जो बच्चे बच्चियाँ शादी के लायक है नेक ने सवाल मुतकी परहेजगार साथी अता फरमा दीजिए लाउल और दुनिया और आखरत की बनाइया अता फरमा दिए अल्लाह हम आपसे में साबित का सवाल चाहते हैं हिदायत पर पुख्तगी का सवाल चाहते हैं आपकी रहमत को वाजिब करने वाली आपकी मफरत के इसबाब का सवाल करते हैं आपकी नहमत के शुक्र और आपकी अच्छी इबादत करने का सवाल करते हैं आपसे कल्बे सलीम सच्ची जबान का सवाल करते हैं जो तू आप जानते हैं उसकी भलाई का सवाल करते हैं और जो आप जानते हैं उसकी बुराई से आपकी पनाह में आते हैं हमारे गुनाह आप जानते हैं उनकी बख्शिश तलब करते हैं क्योंकि आप हमारे गुना माफ कर दीजिए नूरना हमारे रफ़ हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दीजिए हमें बख दीजिए बेशक आप हर चीज पर कदिर अल्लाह हम जो मांग ना सके और जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा दीजिए अः अल्लाह اللهم إنا نسلك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك नबी का मोहम्मद मुस्तान वाला हम आपसे वो भलाई खैर मांगते जो आपसे आपके नबी ससम ने मांगी और हम आपसे पना चाहते हैं उस शर से उस बुराई से जिससे आपके नबी ससम ने पना मांगी आप ही मददगार हैं और आप आ, और आप ही के अख्तियार में ख़ैर शरपा पहुँचाना और गुनाहों से बचने की ताकत और इबादत करने की क़ुत अल्लाह के सहारे के बग़ैर मुमकिन ही नहीं लाहमी आपसे पना चाहते हैं फिक्र गम से कमजोरी और सुस्ती से तो मेरी बहनों ने हाथ फैलाया इनकी तमाम फिक्र गम तमाम तो मुश्किलें आसान फरमा दीजिए इनके घरों में वसत दे इनकी रोजी में वसत दे दीजिए या इनको बड़े घर अता फरमा दीजिए और जिसमे हम दर्ज करें मस्जिदें हों या इलाई वसत वाले घर अता फरमा दीजिए हर चीज में इनकी रोजी में भी वसत कुछ आदमी अता फरमा दीजिए या और कमजोरी सुस्ती से पना मांगते हैं बुजरी और बुखल से पना मांगते हैं और जो जो कर्जों में है जो जो इंटरेस्ट जिन्होंने लिया है सबके बोझ उतार दीजिए तमाम मुश्किलें आसान फरमा दीजिए तमाम मुस्लिम मुसलमान और तो मेरी बहनों की और लोगों के सख्त सख्त गलबे से भी पनाह मांगते हैं अल्लाह अल्लाह माला साला इल्ला माँ जालता सालन मानता था जलुल हजाना इज़ा शेत अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे आप आसान कर दें और जब आप चाहते हैं मुश्किल को आसान कर देते थे या जिन जिन मुल्कों में बारिश नहीं है गर्मी है कहत साली है वहाँ बारिश बरसा दीजिए बारान रहमत बरसा दीजिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बारान रहमत बार, नाजिल फरमा दीजिए बारिश बरसा दीजिए और जो है मुसलमान मुल्कों पर रहम फरमाइए आपस में मुसलमानों में लड़ाई झगड़े और यह ना इतफाकियाँ ख़त्म कर दिए रिश्तेदारों में आपस में हमारे भी खानदानों में इलाही हम सुकून और अता फरमा दीजिए और हमारे दिलों को जोड़ दीजिए हम कराबत जोड़, दारी जोड़ने वाले हों आलमीन बना दीजिए दिलों को साफ कर दीजिए या आलमीन और हम हमें वो कयादत नसीब फरमाए मुस्लिम मुल्कों में और हमारे पाकिस्तान पर भी रहम फरमा दीजिए जो दीनी क्यादत हो जहाँ अमन व सुकून हो या इलाही या लूट खसूट और ये डकेटी और ये सारी करप्शन को ख़त्म कर दीजिए इलामीन और हमारे मुल्क में तमाम इस्लामी तमाम मुल्कों में लाही ऐसे हुक्मरान जो बेलॉस हों बेगर्ज हों जो कौम के लिए या फ़ायदा मंद हो और दीन पर चलाने वाले हों इस्लामी क़्यादत शर्यी क्यादत हमें नसीब फ़रमा दीजिए आमीन या रब्ल आलमिन सुबह कल रब्बर हम उमां सगीरा सग़रा हमारी वालदे पर इस तरह रहम फरमाइए जिस तरह उन्होंने बचपन में पाल के हम पे रहम फरमाया इन्नी आऊज़ु बिका दीक़त दुनिया व वदीक अमल क़यामत हम आपसे दुनिया और रोज़े क़यामत की तंगी से पनाह मांगते हैं हर चीज़ में खुशहाली अता फ़रमा दीजिए आखिर में हम या इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाफोन तो बिलवाफोन्ना अल्लाह बेशक आप माफ़ करने वाले माफ़ करने को पसंद फ़रमाते हैं बस हम सबको माफ़ कर दीजिए इलाही जो मांगने से रह गया आप तो मेरी बहनों की शेरक से भी करीब है हम सबकी यामी तमाम इंसानों की या उनकी जो जायज़ तमन्ना आजू है मेरी बहनों की पूरी फर कर दीजिए इलामीन और दोस्त में जगह हम सबको अता फरमाए हमारे गुनाहों को माफ कर दिए मौत सकरात आसान फरमा दीजिएगा हमारा हौसले खात्मा कीजिएगा और अला दर्जा का जन्नति बना दीजिएगा अल जब चाहे आपका दीदार कर दें या सुबह रबी इज़्ज़तीमा सिफून वसलामसिन वहमदिल्लाबीन अलह सल महमदिन वली मोहम्मद इब्राहिम वाली इब्राहिम इन नमीदम रबना तकबल मन्ना इन न काम उमलना इन न कावाबरहीम हमारे पास 15 मिनट है तो हम 11वां पारा शुरू कर देते हैं क्योंकि एवरी एंड इज द बिगनिंग क्योंकि तो अब ये पारा ख़त्म हुआ है तो अब जो है हर जो अख्ताम है वो एक नए आ, हमें सबक की तरफ ले जाता है एवरी एंडिंग इज़ द बिगनिंग हर अख्ताम एक, एक नई चीज़ की इब्तदा करता है तो हम इब्तदा करते हैं हमारा बारवा पारा इनशा पहले हम तिलावत सुन लेते हैं इनशाला आयत नंबर नाइन्टी फोर से बारवा पारा शुरू होता है या तजी तो हम बारवा पारा शुरू करते हैं इनशाला तिलावत सुनते हैं नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव की इनशाला आप लोगों को बहुत मुबारक हो अहमदिल्लाजीबिन मत तहत चलिए हम शुरू करते हैं पारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है नाइन्टी फ़ोर का इन 11 या तज़ीर और जो नहीं बहनें इस वक्त मुझे नज़र आ रही हैं तो यहाँ पर हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तफसीर करते हैं ग्रामर करते हैं हदीस और सारे कोर्सिस करते हैं अलहदुल्ला तो चलें हम शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आया नंबर 94 या तजी वो उजर पेश करेंगे तरफ तुम्हारे इजा जब रजा तुम लौटोगे तरफ उनके कुल कह दीजिए लाता उज़र पेश करो लन हरगिज़ नहीं नु, मिना हम एदवार करेंगे लकुम तुम्हारा तहकीक नब्बा आना बता दी हमें अल्लाह अल्लाह ने मिन बास खबरें तुम्हारी अखबार और कहाँ आता है कि सूरत में छोटे छोटे अम्मा के बारे में आते हैं चले बताए कहा अखबार जी जजाक खैर हाँ जजाक खैर योम तो हदीसो अखबार ठीक है उस दिन जमीन जो है खबरें देगी अखबार देगी खबरें बताएगी जो कुछ हम इसकी पीठ पे करते हम्मारा और अंकरीब देखेगा अब देखेगा अल्लाह अल्लाह अमल 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 तुम्हारा ब रसूल हो और उसका रसूल भी तुम माफी तुरदूना तुम लौटाए जाओगे इला आलिमी तरफ जानने वाले अलगैबी ग़ैब व शहादती और हाज़िर के फ्यूनबीकुम फिर वो बता देगा तुम्हें बीमा वो वो जो कुन् तुम थे तुम तमन तुम अमल करते तो रनिंग ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं हम इनशा ये तुम जब पलट कर उनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के उजरात पेश करेंगे मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो हम तुम्हारी किसी बात का एतबार ना करेंगे अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं आप अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबका जानने वाला है और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो आयत की तरफ आते हैं इनशाला तो इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग तुम्हारे सामने उजर पेश करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे ये यानी कि अल्लाह ताला आप सब फरमा रहे हैं कि जब जंग तबूक के बाद आप वापस जाएंगे तो जो लोग जो मुनाफिक थे जो तक जंग में तबूक पर नहीं गए थे आपको पता ये नफ़ीर आम थी इसमें सबको जंग पे जाने को कहा गया था क्योंकि ये अरबों से नहीं था रूमियों से मुकाबला था तो जो लोग अल्लाह ताला फरमाते हैं या तजीरुना इलेकुम इजारा जातुम इलेहिम ठीक है तो आप क्या कीजिएगा आप कह दीजिए कि उज्जत पेश मत करो हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है कुल्ला तजीरु अल्लाह ता तजीरु लन्नु मिना लकुम कद नबाना लाओ मिन अखबारिकुम नबा का लफ्ज आता है यहाँ भी नबाना आया है कोई बताएगा सुराय नबा में जी जजाकल्ला खैर अच्छा। जजाक तो और फिर उसके बाद फरमायाद नबाउ अखबार व सैरुम व रसूल तुम्मा तुरा इलामिली व शहादती फयम बिमाकुन तुम तमन यहाँ भी नबा लफ अंदर है नून बा हमजा इसके अंदर ही वर्ड है देखिये फिर जो है फरमा फरमाते हैं कि और आइंदा भी और अल्लाह उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे फिर उसी के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है पर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे ठीक है इनशाला अब एक और आयत करके हम कंक्लूड कर देंगे चलें इन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आयत नंबर क्या है नाइन्टी फाइव सयाह लिफुना करीब वो कस्में खाएंगे बिल्ला अल्लाह की लकुम तुम्हारे लिए इज़ा जब अन कलफ तुम लौटोगे तुम इलाहीम तरफ उनके लितौर दू ताकि तुम एराज करो अनहुम उनसे फार तुम तो एराज कर लो अनहुम उनसे इन क्योंकि वो रिश सुन गंदगी है वमा वाह और ठिकाना उनका जहन्नम जहन्नम है जजाम बदला है बीमा इसका जो कानू है वो यक वो कमाई करते हैं ये फेले मुदारे यहाँ से शुरू हुआ है तो तुम्हारी वापसी पर ये जी अब रवा तर्जुमा इनशाला जी वो कमाई करते हैं फेले मुदारे जी अब हम रवा तर्जुमा कर तर लेते हैं इन तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्मे खाएंगे ताकि तुम उनसे साफ नजर करो तो बेशक तुम उस उनसे सिर्फ नजर उनसे सिर्फ नज़र ही कर लो क्योंकि ये गंदगी है उनका असली मकाम जहनुम है जो उनकी कमाई के बदले में उन्हें नसीब होगी आयत की तरफ आते हैं अल्लाह तला फरमाते हैं कि हाँ वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे सया लिफुना और जब तुम उनके पास वापस जाओगे इन ईजन कलब तुम अलिम ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो लिथो र सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो क्यों छोड़ उनकी हालत पे वो लोग बिल्कुल गंदे हैं इन न और क्या होगा उनका अंजाम क्योंकि गंदे अकीदे की गंदगी पुतों की पूजा करते हैं और उनका ठिकाना दोजक है वमा वाहुम हम उनके उन कामों के बदले जिन्हें वो क्या करते थे जजा अम जजाम बिमाकानू क्या काम करते थे झूठ बोलना और जो है जंगों पे ना जाना और धोखा देना वगैरह वगैरह तो इसमें हम जो है रिसुन देख लेते हैं कि रसुल यहाँ पता है इन नसन के वो पलीद हैं वो गंदे हैं तो हम देख लेते हैं कि रसुल क्या है स्क्रीन पे देखें वो गंदगी है इनकी सजा क्या है कजालिका यजालास्सा रिस के रस् रिस के रस्ा के मानिए गंदगी के हैं इब्न जैद कहते हैं कि रिस्सा से मुराद अजाब है इबन अब्बास कहते हैं रिस्सा से मुराद शैयाती शैतान है यानी अल्लाह उन पर शैतान को मुसलत कर देता है मुजाहिद कहते हैं कि रिस्सा से मुराद हर वो चीज़ जो खैर से खाली हो ये है ये इनकी जो है वसफ़ अल्लाह ने बताया कि ये होते हैं ये गंदगी इस तरह की एक तो बुतों की गंदगी भी है ठीक है अच्छा उसके बाद हम देखते हैं आ, आ, एक, दो हदीस है इस पर तो इमाम बुखारी इसके मुतालिक जो है उन्होंने बाप बांधा है सही बुखारी में आ, सही बुखारी किताब तफसीर बाब किताबुल तफसिर बाबू फौल सयाहलिफूना बिल्लाक लितम सुरतौबा नाइन्टी फाइव अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक ने बयान किया है कि उन्होंने काब बिन मालिक रद्ला से यानी अब ये अब्दुल्ला बिन काब जो है काब रज्लानु के बेटे हैं ठीक है तो वो अब्दुल्ला बिन काब बयान करते हैं अपने वालिद से उन्होंने हदीस ली के अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक ने बयान किया कि उन्होंने काब बिन मालिक रदीन अपने वालिद से उनकी गजबा तबूक में शरीक शरीक ना हो सकने का वाक़ सुना उन्होंने बतलाया अपने बेटे को अल्लाह की कसम हिदायत के बाद अल्लाह ने मुझ पर इतना बड़ा और कोई इनाम नहीं किया जितना रसूल ससम के सामने सच बोलने के बाद ज़ाहिर हुआ था कि उसने मुझे झूठ बोलने से बचाया क्योंकि अब्दुल्ला बिन काब ने आप ससम के सामने मुनाफिकों की तरह उजर नहीं पेश किया उन्होंने सच बताया कि मैं बस सुस्ती और गफ़रत की वैसे पीछे रह गए तो अल्लाह ताला का ये मुझ पर करम हुआ कि किसम के सामने सच बोलने के बाद ज़ाहिर हुआ था ईमान लाने के बाद उसने मुझे झूठ से बोलने से बचाया वरना मैं भी इसी तरह हलाक हो जाता जिस तरह दूसरे लोग झूठी माजरत बयान करने वाले हलाक हुए थे अल्लाह ताला ने उनके बारे में वही नाज़िर की लकुम सयाफुना सयाहलिफुना बिल्लाम लतोन के अंतरीब ये लोग तुम्हारे सामने आप सर, सर, के रसूल ये लोग आपके सामने जब आप उनके पास वापस जाएंगे जंग तबू के बाद अल्लाह की कसम खा जाएंगे ये मतलब ये जो आयत हम पढ़े आखिर तक उसके बाद एक दूसरी हदीस है अब्दुला बिन अब्दुला बयान, यही बयान करते हैं तोबा कबूल की गई थी उन्होंने बयान किया कि दो गजवों उसरत यानी गजवा तबू तो गजवा तबू का दूसरा नाम उसरा भी है और उसरत भी ठीक है और गजबा बदर के सिवा और किसी गजे में मैं कभी मेरी एको हो रही किसी का देखेगा क्यों एक बदर के सिवा और किसी ग़ज़े में गजबे में गए सिर्फ तबूक जिसको गजबाए उसरत गय उसरा भी कहते हैं उसमें और बदर में नहीं शामिल हो सके और उन्होंने सच बता दिया था तो तीन सभी ऐसे थे मुनाफिकों ने तो झूठ बोला ऐराज किए सारे और बिहले बहाने के लेकिन तीन सभी ऐसे थे जिन्होंने सच बता दिया था कि हमारे पास माल भी था सवारी भी थी सिर्फ हम वफलत की वजह से सुस्ती की वजह से पीछे रह गए तो उन तीनों को अल्लाह ताला ने सजा भी दी थी उनका सोशल बाईकॉट हुआ था उनसे पूरा मदीना बात नहीं करता था और फिर उनकी सच्चाई की बरात अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल कर दी थी इसी सूरत में हम पढ़ेंगे तो हमारा टाइम एंड हो रहा है तो इंशाल्लाह हमारा तो टारगेट था नाइन्टी सिक्स तक चले जाए जिसमें बहुत डिटेल है माशाला उस्मा जी ने उन स्लाइड्स पे भी बड़ी मेहनत की है क्या डिटेल है आ, मुनाफिकों की जो ट्रेड्स है क्या, क्या क्या बहुत डिटेल है चार ट्रेड्स के अलावा भी तो इनशा आप लोग जरूर अटेंड करें नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम अब टाइम हमारा दर्श होगा जुमा को इनशाला ठीक है तो मुझे इजाजत दीजिए इनशाला जुमे को हाजिर खिदमत होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले वाखिर दावाना अनिलहमदुल्लह रबीआलमी सुबह ना वबी हम न शदा न डिटेल उसकी ज्यादा है ना तो पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए फिर हम नेक्स्ट टाइम कैंसिल करेंगे आप लोगों को इनायत के बारे में कुछ कहना